मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर श्रीनगर कांग्रेस दफ्तर में खराजे अकीदत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस के साबिक रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने राजीव गांधी को खराजे अकीदत पेश किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि राजीव के काम को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान की भी हिमायत की जो उन्होंने कल लद्दाख में दिया और कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुल्क की जमीन का एक भी टुकड़ा चीन को नहीं दिया जाएगा। ऐसा गलत है, कई सारी जमीन चीन के पास चली गई है और पीएम खामोश है। जब वो निकलना चाहते हैं तो आपके वो ये हमारे कुछ प्रो मतलब पॉलिटिशियंस के साथ भी हुआ। 8-8, 10-10 महीने यहाँ कहते रहे कि फ्री है, मगर गेट से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो इसलिए हम उसको बड़ा मजम्मत करते हैं इस तरह के एलजी साहब के बयानों को कि वो मजहबी लीडर है, वो रूह है इस्लामियत का, कि जिनका जो वजूद होगा वो उसी तरह की बात करेंगे। मैं मीर हूँ तो मुझे फ़ख्र है मैं ओरिजिनल मुसलमान हूँ।